किया गया है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में लगी है थी आग और लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में यह आग लगी थी। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई, 37 बच्चों को बचा लिया गया, जिसके बाद जिन 10 बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसे में अब इस मामले में तीन तरह से जांच करने के भी आदेश जो हैं वो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने दे दिए हैं। और अब इस मामले में जाँच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, और जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार अस्पताल परिसर में क्या कुछ खामी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन में वहां ब्लास्ट लगी थी उसके बाद क्यों नहीं तत्परता के साथ चेक किया गया कि आखिरकार ये ब्लास्ट की आवाज कहां से आई थी। और उसके बाद जब शिशु वार्ड में धुआं निकलता नजर आया उसी वक्त सबका ध्यान आखिरकार क्यों नहीं गया, क्यों नहीं कोई भी व्यक्ति उस वक्त शिशु वार्ड में मौजूद था जो कि वक्त रहते उन बच्चों को वहां से निकालने का काम करता, या फिर वहां पर उस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाती। आखिर बाकी का स्टाफ कहां पर था जिसने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश नहीं की या फिर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि जब इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, इस आग ने अपना तांडव मचाया, उसके बाद खिड़कियां तोड़कर इन बच्चों को निकाला गया, 37 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचा पाए, जिसके बाद ये 10 बच्चे अपनी जिंदगी हार गए। और ऐसे में कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं झांसी से हमारे सहयोगी ब्रजेश पंत का, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद भी हैं। ब्रजेश, देखिए लगातार सुबह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ये मुआवजा उन बच्चों की जिंदगियों के बराबर नहीं, और ना ही उनकी जिंदगियों की भरपाई उनके माता पिता के लिए कर सकता है, क्योंकि माँ बाप के लिए संतान ही सब कुछ होती है। और ऐसे में ये मुआवजा उन बच्चों के माता पिता के लिए कुछ भी नहीं माना जा सकता है। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से वहाँ पर धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद क्यों नहीं तुरंत वहाँ पर कोई पहुँचा, जिस तरीके से वहाँ पर धुआं निकलता दिखा तभी वहाँ पर क्यों पूरा स्टाफ पहुँचा था, उससे पहले क्यों नहीं शिशु वार्ड में कोई भी मौजूद था। जी बिल्कुल पिंकी जी, आपको कहना चाहूंगा कि लगातार हादसों पर हादसे, ये पहली बात नहीं है कि जब कोई बड़ा हादसा हो, और उसी हादसे में ये एक और नई कड़ी जुड़ी है झांसी की, जहाँ झांसी मेडिकल में जो परिजन अपने बच्चों को उनका स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन हो सकता था कि उस जिस बीमारी के चलते उन्हें यहाँ लाया गया हो उस बीमारी से उससे उनकी मौत नहीं होती, लेकिन यहाँ अस्पताल में उनको लाने के बाद इस हादसे में उन मासूम बच्चों की मौत हुई है। और ऐसे ही तमाम परिजन जो यहाँ पर घूम रहे हैं और बिलख रहे हैं, तो कम से कम उनको बच्चे का पता बता दिया जाए कि उनका बच्चा आखिरकार कहाँ है। लगातार परिजन अपने बच्चों की खोज कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम इतना बता दीजिए कि हमारा बच्चा जीवित है कि मृत है। लगातार ऐसे कई परिजन यहाँ पर घूम रहे हैं जो यहाँ बाहर ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने नौनिहाल का, अपने जो बच्चा है उसकी कोई भी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री ने भले ही इनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजे की बात कही हो, लेकिन मुआवजे से आर्थिक स्थिति तो सुधर सकती है, लेकिन अंतरात्मा की जो जुड़ा हुआ तत्व है, जो उनके मासूम बच्चे हैं, वो यहाँ पर लौट कर नहीं आने वाले हैं अब। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से झांसी में यह हादसा पेश आया है, ये कोई पहला हादसा नहीं है जब यहाँ पर किसी भी तरह से शिशु वार्ड में आग लगी हो या कोई इस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ हो। क्योंकि इसी साल दिल्ली में भी बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी, वहाँ पर भी बड़ा नुकसान हुआ था और वहाँ पर भी अफरा तफरी देखी गई थी और वहाँ पर भी प्रबंध जो है वो तमाम नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर अब जाँच के लिए अलग अलग तीन गठन किए गए हैं, तीन तरह से अलग अलग जाँच होगी, ऐसे में अलग अलग टीमें होंगी, इसमें कब ये जांच शुरू हो जाएगी, कब तक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाएगी, क्योंकि उस रिपोर्ट में खुलासा होगा कि आखिरकार इस अस्पताल में क्या कुछ खामियां थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया। क्योंकि अस्पताल तो वो जगह है जहां पर अचानक से मरीज को उठाकर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए वहां पर पहले से तमाम तैयारियां होती हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस समय रात के 9:30 के आसपास जिस तरीके से ये घटना हुई, यहां पर हाहाकार मच गया, हड़कंप मचा, और जब बच्चों को बचाने की बात आई तो कई बच्चों को बचा लिया गया, कई बच्चों को लोग जो परिजन थे वो नहीं बचा पाए। घटना के बाद प्रशासन के आला अधिकारी, DIG, कमिश्नर,
जिलाधिकारी, एसपी और यहां तक कि सुबह सुबह की लगभग 4:30-5 बजे प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य यहां पर पहुंचे थे और यहां पर परिजनों से मुलाकात की है और जो यहां के स्थलीय घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की 3 प्रकार से जांच होगी। सबसे पहले तो विभागीय जांच होगी, उसके बाद जो पुलिस महकमे की जांच होगी और उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच होगी। लेकिन इस सब जांच के बाद जो भी रिपोर्ट यहां पर आएगी उसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। घटना है तो भी उसकी जांच होगी और दुर्घटना है तो भी उसकी पूर्ण रूप से जांच होगी। लेकिन इस सबसे पहले डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस घटना को लेकर प्रमुख तौर पर एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है जो तुरंत ही इस मामले की जांच करेगी और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो मृतक के बच्चों के परिजन हैं उनके बच्चों की शनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से नहीं जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे कि परिजन हो या उनके रिश्तेदार हो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी बच्चे की परिस्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी करने की का दावा करने वाला प्रशासन, जो यहाँ पर घूमने वाले परिजन है, जो अपने उनके पिता हैं, उनकी माएँ हैं, यहाँ बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, उनका उनके बच्चे का अभी तक प्रशासन कोई अता पता नहीं बता सका है। उनकी केवल इतनी सी मांग है कम से कम उन्हें इतना बता दिया जाए कि उनका बच्चा आज दुनिया में है भी या नहीं भी। बिल्कुल, और अगर बात कर ले जाए इसी के साथ ब्रजेश, देखिए ठीक है आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल अभी सीधा तस्वीरें मौके से आ रही हैं और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परिजनों का हाल आप देखिए और इसी से समझिएगा कि जो दर्द है संतान को खोने का जो दर्द होता है उसे सबसे बड़ा दर्द कहा जाता है और ऐसे में इन माता पिता ने, इन परिजनों ने अपने संतान को खोया है, वो भी इतनी दर्दनाक मौत मिली है जिसके बाद इनका रो रो कर बुरा हाल है और अभी कुछ मासूम ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और ऐसे में आग की लपटें, महज एक छोटी सी आग की लपट भी जो है इस बच्चे को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है और यहाँ तो पूरा वार्ड ही जल जल के राख हो चुका है। और चलिए शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार इसमें जांच की रिपोर्ट को लेकर अब बात हो रही है, 12 घंटे में मुख्यमंत्री के समक्ष जो है ये जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी, क्या कुछ खामियां इसमें थी, अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो उस पर क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि बड़ा हादसा है यहाँ पर और 10 बच्चों की मौत हुई है और कौन जिम्मेदार होगा इन बच्चों की मौत का, परिवार वालों को कौन आखिर जवाब देगा। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है लेकिन परिवार वालों के लिए उनके संतान के सामने ये मुआवजा कुछ नहीं होता है और इसी पर झांसी की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, मासूम बच्चों को खोने वालों की तेज वेदनाएं व्यक्त की हैं और इसी के साथ जो है पीएम मोदी ने दुख जताया है। मासूम बच्चों को खोने वालों के प्रति शोक संवेदना जताई, हादसा मन को व्यथित करने वाला है, ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो आपको बताया, उसके बाद अब देखिए पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इसी के साथ साथ ईश्वर दुख सहने की शक्ति परिवार वालों को प्रदान करे क्योंकि ये बड़ा हादसा है, ये 10 बच्चों की मौत हुई है। जिस तरीके से इसी साल दिल्ली में भी बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में हादसा पेश आया था, उसमें 7 नवजात बच्चों की जान चली गई थी, दिल्ली में 7 बच्चों की जान गई थी और अब यहां झांसी में इसी हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई थी। क्या बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि एक हादसा पेश आता है अस्पताल में, और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसे हादसे पेश आए हैं।